हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं KVS TGT 2016 का पेपर। यह पेपर 8 जनवरी 2017 में हुआ था। दोस्तों, ये पेपर 5 भागों में डिवाइडेड है, जिसमें कि 15-15 नंबर की हिंदी और इंग्लिश है और 40 नंबर का GK, 40 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड और 40 नंबर की रीजनिंग है। तो इस प्रकार से यह पेपर 150 नंबर का हो जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हमने इससे पहले भी केंद्रीय विद्यालय TGT के 2013 और 2017 के पेपर अपलोड किए हैं। आप उन्हें हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको फिर से बता दूँ, यह पेपर 2016 का है, जो वैकेंसी 2016 में निकली थी और इसका पेपर 8 जनवरी 2017 को हुआ था। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इंग्लिश भाग वन में पहला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स, 1, 2, 3 एंड 4। There is an error in one of the part. Identify the part which has an error. तो पहला, you must go to my village and see my property before you return. तो दोस्तों, यहाँ पर जो है चौथा वाला गलत है। Just 3 minutes before the train was to reach Patna, the train was to reach Pantra, she suddenly cried to a halt. तो यहाँ पे फोर्थ वाला गलत है। अगला देखते हैं, देर इज गोइंग टू बी अ इलेक्शन ऑफ ऑफिस बेरर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पर सेकंड वाला गलत है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 to 5। ईच ऑफ द फॉलोइंग एडम्स इज फॉलोड बाय 4 मीनिंग ऑफ विच ऑफ वन इज करेक्ट, चूज करेक्ट वन। तो टू पुल स्विंग्स का टू मैन्यूपुलेट सही है, टू टुक डाउन अपॉन, टू स्क्रून एट सही है। क्वेश्चन नंबर 6 to 7। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ईच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, वर्क हार्ड लीस्ट यू डैश फेल शुड, द डैश माई ब्रदर कम गिव हिम दिस मैसेज, शुड माई ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 8 to 9। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे डिस्काउंट का प्रीमियम जो है अपोजिट मीनिंग है, इनफ में जो है इनएडिक्वेट जो है इसका अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 10 to 11। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज मोस्ट क्लोजली फिट्स each definition. An old unmarried woman को spinster कहते हैं। Medicine used again a poison, antidote होता है। Question number 12 to 13। Choose the word from the given option which best express the meaning of underlined words. तो यहाँ पे friendly, amicable का friendly सही है, सोलिसिट का फोर्थ वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 14 to 15। ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो वन वर्ड इज स्पेल्ड रॉन्गली, चूज द वर्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, चारों में से जो सही है वो हमें चुनना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो गलत है उसे हमें चुनना है। तो ये जो है यहाँ पे फोर्थ वाला, ADHARENCE, तो यहाँ पे ए की जगह पे ई आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में जो रॉन्ग स्पेल्ड है वो है फोरकास्ट, यानी कि फोर्थ वाला। अब देखिए, यहाँ से भाग दूसरा शुरू हो गया है, यानी कि 15 नंबर का अब हमारा हिंदी वाला भाग शुरू हो चुका है। देखते हैं इसका पहला सवाल क्या है। कौन सर्वमान का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। क
कौन सर्वनाम का गुणवाचक कैसा? अविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छाटिए। तो यहाँ पे तिरोभाव। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य है वो दूसरा, मैंने आपके लिए शहर से अच्छी होटल से खाना मंगवाया है। दोपहर की बात का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है? चिन्हित कीजिए। यहाँ पे फोर्थ वाला सही है। पानी में आग लगना मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्पों से चयन कीजिए। यहाँ पे शांति में विघ्न डालना। पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा असंगत है? यहाँ पर विराग और राग जो है असंगत है। डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य में किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित विकल्पों में से एक है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे जो तीसरा वाला है यशः धन धरा, ये सही है। उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर 9। सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सिंहासन खाली करो की डैश आती है जनता। अति शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे अति। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर है संज्ञा। शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर उसको कहते हैं शैव। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जो शुद्ध वर्तनी है वो है दूसरा वाला उज्ज्वल। को किसकी कारक की विभक्ति है? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पाएगा कर्म कारक की विभक्ति है। अब यहाँ पे हमारा भाग दूसरा शुरू हो गया है दोस्तों। ये हमारा 40 नंबर का भाग है, तो देखते हैं इसका पहला सवाल। ब्रिक्स की महिला संसदों की बैठक हाल ही में डैश में आयोजित की गई थी, तो ये जयपुर में हुई थी। रियो ओलंपिक 2016-19 में 90 मिनट तक खेलने के बाद ब्राजील और जर्मनी के बीच फुटबॉल मैच कितने गोल की बराबरी पर था? एक एक की बराबरी पर। 2015 के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सम्मान किसे मिला? ये मिला था रणवीर सिंह को। नोबेल शांति पुरस्कार 2016 की विजेता जुआन मैनुअल संतोस डैश राष्ट्रपति हैं, कोलंबिया की राष्ट्रपति हैं। भारतीय बैंकों ने हाल ही में अपनी एटीएम मशीनों का पुनः अनशंकित किया है। यह एटीएम से तात्पर्य है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सतत विकास सूचनांक SDI 2016 में प्रथम स्थान दिया गया स्वीडन को। हार्वर्ड फाउंडेशन का 2015 का मानवतावादी सम्मान डैश को प्रदान किया गया, ये मिला था कैलाश सत्यार्थी को। फोर्ब्स की 100वीं सर्वाधिक धनी भारतीय की सूची में प्रथम स्थान मुकेश अंबानी को मिला है। भारत के रिजर्व बैंक ने January 1, 2017 में से सभी प्रकार के लेन देन के लिए डैश कार्डों का अनिवार्य कर दिया है। यहाँ पर आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को किसके बारे में फटकार लगाकर अंतिम चेतावनी दी? तो यह है लोड समिति की सिफारिशें लागू करना। भारत का बहुकार्य सुपरसोनिक लड़ाकू विमान का तेजस नाम किसने रखा? ये रखा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। यूनेस्को
यूनेस्को कन्फ्यूजियस प्राइज 2016 प्रदान किया गया है जन शिक्षण संस्थान मल्लपुरम को। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत जीडीपी में प्रत्याशित वृद्धि 2016-17 की पहली तिमाही है 7.1%। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2016 दिया गया था योशिनोरी ओशिमी को। कनाडा की सांसद हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय मूल में कितने सदस्यों का चुनाव 2016 जीता 19। जुलाई 2016 में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था गुरुप्रसाद महापात्रा को। सारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया था 21 सितंबर 2016 को। सितंबर 2016 से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एक नए निदेशक हैं रियाल मैथ्यू। पैरा ओलंपिक खेल 2016 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल ही गलत है, इसलिए यहाँ पर सबको कॉमन नंबर मिला हुआ होगा, लेकिन वैसे इसका आंसर दीपा मलिक सही है। दोस्तों यहाँ पर स्वर्ण पदक लिखा है, यहाँ पर रजत पदक आना चाहिए था, इसीलिए ये सवाल ही गलत है। 21 सितंबर 2016 के बाद हमारे प्रधानमंत्री का सरकारी निवास कहाँ जाएगा? ये जाएगा पंचवटी में। हाल ही में स्क्रैमजेट रॉकेट इंजन को सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ाने के लिए भेजा गया इसरो द्वारा। हमारी गणतंत्र दिवस परेड 2016 में मुख्य अतिथि कौन थे? दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर ये सवाल ही गलत है, यहाँ पर 2016 की जगह पे 17 आना चाहिए था, और अगर यहाँ पे 17 दिया होता तो इसका सही जवाब होता अबू धाबी के युवराज, इसीलिए इस क्वेश्चन को KVS द्वारा हटा दिया गया और सभी को कॉमन नंबर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष से भिन्न है? तो यहाँ पे तीसरा वाला, विश्व खाद्य दिवस अक्टूबर 2001। वर्ष 2015 के लिए श्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म फेयर सम्मान किस अभिनेत्री ने प्राप्त किया? ये किया था दीपिका पादुकोण ने। भारत का सबसे पुराना वायुयान वाहक पोत जिसे हाल ही में बेड़े से हटा दिया गया था INS विराट। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में उन तिब्बती भारतीयों को नागरिकता प्रदान की है जिनका जन्म डैश के बीच हुआ है, छब्बीस जनवरी 1950 से जुलाई 1, 1987 के बीच। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के करदाताओं की सहायता के लिए ई निवारण सुविधा प्रदान की A, B और C तीनों ने, यानी कि आयकर वापसी से, आयकर विवरणी से, स्रोत पर आयकर कटौती से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 31, 2016 को 100% तक की वृद्धि की अनुमति देकर FDI प्रणाली की क्रांतिकारी परिवर्तनों को स्वीकृति प्रदान की थी रक्षा क्षेत्र में। आठवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2016 में डैश में आयोजित किया गया गोवा में। हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों का मिलान उनके लेखकों से कीजिए। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है वो है चौथा वाला, यानी ए का तीसरा, बी का दूसरा और सी का पहला। उस भारतीय जिम्नास्ट का नाम लिखिए जो बहुत कम अंतर से कांस्य पदक प्राप्त करने से वंचित रह गया, तो थी दीपा कर्माकर। डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के डैश राष्ट्रपति हैं, तो ये 45वें राष्ट्रपति हैं। ईरोम शर्मिला ने हाल ही में एक राजनीतिक दल का गठन किया जिसका नाम पीपल रेस्यूरजेंस एंड जस्टिस एलायंस है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2017 में चुनाव नहीं होगा? राजस्थान। रियो ओलंपिक्स में महिलाओं
कि हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? थी सुशीला चांद। एमसीसी आजीवन सदस्यता से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर रहेंगी अंजुम चोपड़ा। प्रेसिडेंट बराक ओबामा और राज्य काउंसिलर आंग सान सू के बीच हुई बैठक के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तैयार दिखाई पड़ता है म्यांमार से सभी नियंत्रण उठा लेने को। हाल ही में निर्मित सरोगेसी नियंत्रण विधेयक उन माता पिता को किराए पर लेने की अनुमति प्रदान करता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से चौथा वाला सही है, यानी कि ए सत्य है पर भी असत्य है, यानी कि जो 5 वर्ष से विवाहित हो और प्राकृतिक रूप से संतान को जन्म नहीं दे सकते, जिनकी पहुंच पुनर्जनन की अन्य तकनीकी तक नहीं है। जुलाई 2016 में हैंग में इंटरनेशनल कोर्ट ने किस पर चीन के दावे को खारिज किया? ताइवान, जल डमरू, मध्य। मानहानि कानून पर अपनी सम्मति देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हमारा रीजनिंग वाला पार्ट शुरू हो गया है, देखते हैं हमारा रीजनिंग वाले सवाल क्या क्या हैं। दिए गए शब्द में से ऐसे कितने अक्षर युगल हैं शब्द में जिनके बीच में उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं? यहाँ पर 4। निर्देश प्रश्न संख्या 72 से 74 निम्नलिखित सूचना पर आधारित है। कल्पना अलका से 6 मीटर की दूरी पर दक्षिण की ओर खड़ी है। सिंथिया कल्पना से पूर्व से 12 मीटर खड़ी है। समीरा सिंथिया के 10 मीटर दूर दक्षिण की ओर खड़ी है और समीरा भी इला के पूर्व में 12 मीटर दूर खड़ी है तथा जैस्मिन इला के उत्तर में 8 मीटर दूर खड़ी है। 33 छात्रों की कक्षा में मोहन का ऊपर से 12वां स्थान है, परंतु उसका जुड़वा भाई मोहित उससे 4 स्थान ऊपर है। बताइए मोहित का नीचे से क्या स्थान है? यहाँ पर है 26। यदि कल्पना दक्षिण की ओर से 4 किलोमीटर चल के जाती है तो वह इला से कितनी दूर होगी? वो होगी 6 मीटर दूर। कल्पना जैस्मिन से कितनी दूरी पर खड़ी है? तो वो खड़ी है 2 मीटर की दूरी पर। उस सही विकल्प को चुनिए जो दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है। तो यहाँ पर जो है वो अक्षर श्रृंखला को जो पूरा करता है वो है EJOT। उस सही विकल्प को चुनिए जो दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर जो संख्या श्रृंखला को पूरा करेगा वो है 101। उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। यहाँ पर नर्मदा अन्य 3 से भिन्न है। निम्न दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुरूप व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर EBCAD यानी कि ई। निर्देश प्रश्न संख्या 79 से 81 निम्नलिखित सूचना पर आधारित है। 8 अधिकारी ABCDEFG और H एक आयताकार मेज के आसपास बैठक कर रहे हैं। ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है जबकि सी से दाईं ओर बैठा है जो कि एफ के दाईं ओर बैठा है। ए बी के सामने बैठा है, डी एफ और एच के बीच बैठा है। इनमें से कोई भी मेज के कोने में नहीं बैठा है। मेज के विपरीत ओर बराबर अधिकारी बैठे हैं। 3 अधिकारी मेज की एक तरफ बैठे हैं। डी के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा है? तो यहाँ पे बैठा है एफ। सी और ई के बीच कौन बैठा है? वहां पे बैठा है जी। जी का स्थान सी के अनुसार क्या है? निकटतम दाएं। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके सही नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर है लेटर।
निम्नलिखित विकल्पों में से अंकों को उस संयोजन को चुनिए जिसके अनुसार यदि दिए गए अक्षरों को व्यवस्थित करें तो एक सार्थक शब्द बन जाएगा। यहाँ पर आएगा तीसरा वाला 3-1 यानी कि WALL, फिर आएगा K, फिर आएगा E, फिर आएगा R यानी कि वॉकर। दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। एनवायरनमेंट के चार ऑप्शन दिए हैं, तो जो नहीं बन सकता वो है रिवर। सलमान 9 वर्ष का बालक है, वह अपने माता पिता का इकलौता बच्चा है। वह अपने दोस्तों के साथ हर शाम खेलता है। सलमान के पिता अधिकतर देर शाम तक घर आते हैं। उसकी माँ 3 लोगों के परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। अब निम्न दिए गए कथनों में से वह कथन पहचानिए जो कि उपरोक्त जानकारी के अनुसार बिल्कुल सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो पहला वाला है, सलमान के कोई सहोदार भाई बहन नहीं है। विकल्पों में से उस शब्द युगल को चुनिए जो दिए गए युगल जैसे ही संबंध दर्शाता है। रेशा, वस्त्र। उसी तरीके से लुगदी और कागज। निर्देश, प्रश्न 87 से 89 तक निम्नलिखित सूचना पर आधारित हैं। ए बी अर्थात ए बी से छोटा नहीं है, ए स्टा बी अर्थात ए न बी से छोटा है न बराबर है, ए एट बी अर्थात ए बी से ना ही बड़ा है ना ही बराबर है, ए प्लस बी अर्थात ए बी से बड़ा नहीं है, ए परसेंट बी अर्थात ए बी से ना ही बड़ा है ना ही छोटा है। ये मानते हुए कि दिए गए कथन सही हैं, यह निर्णय कीजिए कि नीचे दिए गए कथनों पर आधारित कौन सा निष्कर्ष सत्य है। कथन पी प्लस क्यू क्यू परसेंट आर आर एट टी, तो निष्कर्ष पी एट टी क्यू प्लस टी पी प्लस आर। तो दोस्तों इसमें जो तीसरा वाला है केवल पहला और तीसरा सत्य है, यानी कि पहला पी एट टी और तीसरा पी प्लस आर। कथन पी स्टार क्यू क्यू ट्राइंगल आर आर स्टार टी, निष्कर्ष पी स्टार टी दूसरा पी एंगल आर तीसरा क्यू एंगल टी। इसमें से जो चौथा वाला है केवल पहला सत्य है, यानी कि पी स्टार टी। कथन पी एट क्यू क्यू प्लस आर आर परसेंट टी, निष्कर्ष पहला पी एट टी दूसरा क्यू प्लस टी तीसरा पी स्टार आर। इसमें से जो दूसरा वाला है केवल पहला और दूसरा सत्य है, यानी कि पी एट टी और क्यू प्लस टी। कौशल एक सरकारी संस्था में अच्छे पद पर है, वह ईमानदारी से कार्य करता है। वह अपने दफ्तर में वह सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कर्मचारी में से है। वह अपने अधीन कार्यरतों की सहायता करता है। वह वरिष्ठ अधिकारियों को सहयोग देता है। वह कठिन परिश्रम करता है, परंतु कई बार लोग उसे गलत समझ लेते हैं। दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से जो पहला वाला है कौशल सरकारी कर्मचारी है, ये वाला सही है। नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए कथन में दी गई सूचना के आधार पर सूचियां सुझाई गई कौन सी कार्यवाही करने के लिए तर्कसंगत है। कथन नई दिल्ली में एक बड़ी जनसंख्या डेंगू से ग्रसित पाई गई। कार्यवाही पहली, नई दिल्ली से सबसे प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल धुआं देना चाहिए। दूसरी,
मच्छर के काटने से कैसे बचे और बीमारी को फैलने से कैसे रोके का प्रचार करना चाहिए। तो यहाँ पर कथन कार्यवाही पहला और दूसरा दोनों अनुसरणीय है। दिए गए कथन को सत्य मानकर चाहे वह सामान्यता ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, यह निश्चित कीजिए कि कथन से कौन से निष्कर्ष तर्क संगत रूप से निकाले जा सकते हैं। कथन निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक परिश्रमी होते हैं। निष्कर्ष, कुछ परिश्रमी शिक्षक निजी विद्यालयों में कार्यरत हैं। दूसरा, सरकारी कर्मचारी परिश्रमी नहीं होते। इसमें से जो चौथा वाला है, केवल निष्कर्ष पहला निकलता है, वो सत्य है। निम्न दी गई विकल्पों में से वह आकृति चुनिए जो दी गई श्रृंखला को पूरा करे। तो यहाँ पर जो आकृतियाँ दी हैं, जहाँ पर जो खाली है वहाँ पर जो आकृति आएगी वो है दूसरी वाली। निम्न दिए गए विकल्पों में से उस घन को चुनिए जो दी गई आकृति को मोड़ने पर बनेगा। तो इस आकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा वो है केवल तीसरा वाला। यानी कि ये दोस्तों, यहाँ मैं बता दूँ, ये रीजनिंग वाले सवाल हैं, इन्हें आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी करिएगा। निर्देश, संख्या 95 से 97 में दिए चार विकल्पों में से वह आकृति चुनिए जो दी गई मैट्रिक्स को पूरा करे। तो यहाँ पे 95 में दिया है, तो जो मैट्रिक्स को पूरा करेगा वो है दूसरा वाला। नाइन्टी सिक्स में जो मैट्रिक्स दी है उसको पूरा करता है चौथा वाला। 97 में जो दी गई है उसे पूरा करेगा तीसरा वाला। इनमें से कौन सा विकल्प समान संबंध दर्शाता है जो कि भाई बहन में है, पिता और पुत्री। दिए गए कथनों को सत्य मानकर चाहे वो सामान्यता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, या निर्णय कीजिए कि कथनों में कौन से निष्कर्ष तर्क संगत रूप से निकलते हैं। कथन, सभी आम फल हैं, सभी फल सब्जियां हैं, कोई भी सब्जी अनाज नहीं। निष्कर्ष, कुछ फल आम हैं, कुछ अनाज सब्जियां हैं, कुछ फल अनाज हैं। इसमें से केवल निष्कर्ष पहला निकलता है, यानी कि कुछ फल आम है। दिए गए रेखा चित्र में कौन सा चित्र मेज कुर्सी और फर्नीचर को दर्शाता है। यहाँ पर जो दर्शाता है वो है चौथा वाला। कोनिका ने कहा, विवेक मेरी माँ का इकलौता बेटा है तथा जया की इकलौती बेटी सोनल का पिता है। सोनल कोनिका की किस तरह से संबंधित है। तो ये है भतीजी। निर्देश, प्रश्न 102 से 105 निम्नलिखित सूचना पर आधारित है। सात लोग ए बी सी डी और जी सात लोग ए बी सी डी ई एफ और जी एक बस में यात्रा कर रहे हैं जो कि भिन्न राज्यों जैसे दिल्ली, असम, गुजरात के रहने वाले हैं। किसी भी एक राज्य के व्यक्ति में ना तो दो से कम है और ना ही दो और ना ही तीन से अधिक है। हर एक ने अलग अलग रंग का परिधान पहना हुआ है, जैसे लाल, सफ़ेद, पीला, नीला, हरा, भूरा और काला, पर ज़रूरी नहीं कि किसी की इसी क्रम में हो। ई गुजरात से नहीं है तथा उसने भूरे रंग का परिधान पहना है। जिसने लाल रंग का परिधान पहना है वह असम से है। ए दिल्ली राज्य से है और डी भी। बी ने पीला परिधान पहना है और उसी राज्य से है जिससे सी है, वह एफ है। गुजरात राज्य के किसी भी व्यक्ति ने सफ़ेद या नीला परिधान नहीं पहना, सी ने हरा नहीं पहना और ए ने नीला नहीं पहना। तो 102 वाला सवाल है, लाल रंग का परिधान किसने पहना है। तो ये पहना है जी ने। निम्न में कौन सा समूह व्यक्ति राज्य परिधान का रंग सही है। तो इसका सही जवाब है एफ, गुजरात।
निम्न में से कौन सा समूह व्यक्ति राज्य परिधान का रंग सही है? तो इसमें जो जो तीसरा वाला है यानी कि एफ गुजरात, हरा सही। इनमें से कौन सा समूह गुजरात राज्य से है? इसमें से जो समूह गुजरात से है वो है बी, सी और एफ। डी के परिधान का क्या रंग है? डी के परिधान का रंग नीला है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प जनवरी से जुलाई के संबंध को दर्शाता है? इसमें से जो तीसरा चौथा वाला है मार्च और सितंबर, ये दर्शाता है। वर्ग उसी तरह संबंधित है जैसे धन से, जिस प्रकार आयत संबंधित है डैश से। वहां पे हो गया घना भाग। घनाभ यदि शब्द इंटरनेशनल का हर स्वर अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला के अनुसार उसके अलग अक्षर से बदल दिया जाए तो हर व्यंजन अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला अनुसार किसके पिछले अक्षर से बदल दिया जाए तो बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? तो ये होगा क्यू। निर्देश प्रश्न संख्या 109 से 110 निम्नलिखित सूचना पर आधारित है। छह व्यावसायिक लोगों के समूह में दो युगल हैं, इनमें से एक युगल का व्यवसाय डॉक्टर है तथा दूसरा अध्यापक है, शेष वकील व बैंकर है। बैंकर की पत्नी व्यवसायिक नहीं है जबकि वकील अभी तक शादीशुदा नहीं है। इन छह व्यावसायिक लोगों के समूह में कितनी स्त्रियां हैं? केवल दोस्तों देखिए यहाँ पे दो टिक है यानी कि पहला और दूसरा, तो ये दोनों ही सही हैं। जिन लोगों ने इन दोनों पे टिक किया होगा उन्हें कॉमन नंबर मिला होगा। उसके बाद 110 इस छह पेशावरों के समूह में कितने पुरुष हैं? तो यहाँ पर हैं तीन या चार। दोस्तों प्रश्न संख्या 111 से देखिए शिक्षण अभिरुचि जो है शुरू हो चुका है। ये वाला भाग हमारा 40 नंबर का है, तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल इसका, प्रकृति अनुसार शिक्षित करने से अभिप्राय है, मानव विकास की प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षित करने से। विद्यालय पाठ्यचर्या का उद्देश्य होता है बच्चे को संगठित अर्थात पूर्ण शैक्षिक अनुभूतियां प्रदान करना। सत्य असत्य परीक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ है, इसका व्यापक प्रतिदर्शन। निम्नलिखित में कौन सा अधिक्रम मैस्लो द्वारा प्रतिपादित मानव आवश्यकता अधिक्रम का उपयुक्त क्रम है? यहाँ पे शारीरिक सुरक्षा, स्नेह, अपनापन, स्वाभिमान, स्व अनुभूति। अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत का मुख्यालय बल निम्नलिखित में किस पर आधारित है? अधिगम अवस्थिति की समग्रता है। परामर्श प्रक्रिया निम्नलिखित अवस्थाओं को उस अनुक्रम में रखें जिसका पालन किया जाता है। कोड परानुभूतिक समझ स्थापित करना, समापन तथा अनुवर्ती कार्यवाही, आरंभिक प्रक्रियाएं, अंतःक्षेप कार्यनीतियां। तो इसमें जो सही है वो कोड ए, सी, डी और बी। यानी कि ए सबसे पहले परानुभूतिक समझ स्थापित करना, फिर सी आरंभिक प्रक्रियाएं, फिर डी अंतःक्षेप कार्यनीतियां और फिर समापन तथा अनुवर्ती कार्यवाही। ADHD संकेताक्षर का पूरा रूप क्या है? तो यहाँ पे है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। वे व्यक्ति जिनका शैक्षिक दर्शन प्रयोजनवाद है दावा करते हैं कि ज्ञान अंतरिम या अस्थाई होता है तथा सत्य सापेक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रयोजनवाद की द्योतक होगी?
सकते हैं। यहाँ पे जो चौथा वाला है, कोई संस्था इतनी पुनीत नहीं हो सकती जिसका विवेचित विश्लेषण अनिवार्य ना हो। वह चिंतन क्या कहलाता है जिसमें व्यक्ति बहुत सारे विचारों से आरंभ कर एक एकल समाधान पर पहुंचता है। यहाँ पे है अभिसारी चिंतन। पर्यवेक्षण का मूल्य उद्देश्य बच्चे द्वारा अधिक प्रभावित रूप से सीखने में उनकी सहायता करना। निम्नलिखित में से किसकी संप्राप्ति वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण मुद्दों का प्रयोग करने से नहीं की जा सकती? समस्या समाधान योग्यता। निम्नलिखित में से किस विधि में निष्कर्ष निकालने के लिए वर्तमान ज्ञान का उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे इसका पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग मेथड। NCERT के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की गई है। सृजनात्मक बालक की पहचान निम्नलिखित में से किस तकनीक से नहीं की जा सकती? बुद्धि लब्धि परीक्षण बैटरी। एक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से समझने का मूल कारण क्या है ताकि उसकी क्षमताओं को समझने और विकसित करने की सहायता मिल सके और उसकी दुर्बलताओं की पहचान की जा सके? सर्वाधिक सामान्य प्रतिरूप जिसे कोई बालक अपने जीवन में निर्देशित करने के लिए चयनित करता है वह है ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आत्मसंकल्पना उसे अत्यधिक मिलती जुलती हो। अध्यापन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है, अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यतया सीखते ही हैं, तो ये जो सही नहीं है। जॉयस तथा वायल 1980 ने विभिन्न उपलब्ध अध्ययन प्रतिरूपों का 4 स्पष्ट वर्गों समूह में बांटा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उन वर्गों में से एक नहीं है? तो जो नहीं है वो है दूसरा वाला, उदार अधिनियम अधिगम वर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम निःशक्तता का उदाहरण है? तो यहाँ पे है पठन वैकल्य, यानी कि डिसलेक्सिया। निःशक्त बच्चों को समेकित शिक्षा से अभिप्राय है आंशिक शिक्षा विशेष विद्यालयों में, तत्पश्चात सामान्य विद्यालयों में। एक लोकतांत्रिक समाज का मूल्य उद्देश्य है एक प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए सम्मान। एक प्रकार का श्रेणीकरण जिसमें अलग अलग श्रेणी बिंदुओं पर अध्येयताओं का एक निश्चित अनुपात होता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है सापेक्ष श्रेणीकरण। यदि विद्यालय ने समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है तो नीचे दिए गए कथनों में से 3 कथन ऐसे हैं जिन्हें अध्यापक को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वह कौन सा है? तो जो नहीं करना चाहिए वो है पहला वाला, जिन्हें चाहिए कि विद्यालय को प्रौढ़ समाज की एक प्राकृतिक रूप को प्रदान करे, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। परीक्षण विनिर्देशन ब्लूप्रिंट के अनुसार किसी परीक्षण की रचना करने से प्रायः किस प्रकार की चीज में वृद्धि होती है? यहाँ पे है विषय वस्तु की वैधता। एक अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों की विकास को मार्गदर्शित करना। सामाजिक विकास अनिवार्यता सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति के उद्देश्यों के समाकलन से संबंधित है। अधिगम को प्रभावशाली होने के लिए यह आवश्यक है कि डैश के रूप में लक्ष्य अर्थपूर्ण हो। यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही है, अध्येयता की आवश्यकताओं और प्रयोजनों के रूप में लक्ष्य अर्थपूर्ण हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास पर अनुवांशिकता के प्रभाव का सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णित करता है? तो यहाँ पे जो चौथा वाला है वो सही है, अनुवांशिकता यह बताने के लिए कि हम किस सीमा तक जा सकते हैं एक मूलभूत निर्धारक है।
जब विद्यालय बच्चे शरारती, विस्फोटक, विद्रोही अथवा भावशून्य हो जाएं, तो अध्यापक को सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिए कि निर्धारित कार्य की उपयुक्तता तथा बच्चों से की गई अपेक्षाओं की ओर ध्यान दें। सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय है विभिन्न अध्यापन कौशलों का पृथक रूप से अभ्यास करना। जहां तक मूल्यों का प्रश्न है, प्रयोजनवादी तथा यथार्थवादी मूल्यों के संतोषजनक स्रोत के रूप में अलौकिकवाद या अद्वैतिकवाद को स्वीकृत करते हैं। संचयी बारंबारता ग्राफ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं त्रोण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक मंदता से संबंधित नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक मंदता के संबंध में सही है? तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। चिरकालिक संक्रमण तथा रोग से पीड़ित माँ के बच्चों में मानसिक मंदता आ जाती है। शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके सहायक नहीं होते हैं? तो बच्चे के विकास को समझने में सहायक नहीं होता है। शोध अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है, बच्चों पर धार्मिक मतों और सिद्धांतों के सिद्धांत रोपण से उनके सामाजिक रूप में अनुमोदित व्यवहार पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता। व्याख्यान विधि किसी स्थिति में सर्वाधिक उपयोगी विधि होगी? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन है, यानी कि इसका इन जिन्होंने इस दो को टिक मारा होगा उन्हें कॉमन नंबर मिला होगा। निबंधात्मक परीक्षण की इतनी लोकप्रियता का मुख्य कारण इसकी संक्षेपण तथा संगठन कौशल को मापने की योग्यता है। किसी परीक्षण की वैधता तथा विश्वसनीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? जब तक कोई परीक्षण विश्वसनीय नहीं होगा वह वैध नहीं होगा। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य है अधिगम अनुभव के कुछ पक्षों को स्पष्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपको उसका उत्तर अवश्य देंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।